बहुत अच्छी कहानी है कि जैसे कर्म वैसे फल। वाह वाह। और अपनी इज्जत अपना सम्मान अपने हाथों में है। वाह वाह। सांस गिरता है सांस ऊपर। लेकिन कभी कभी समाज में कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है कि आप लाख चाह कर भी लाख सही रहकर भी अपनी असमत अपनी इज्जत को नहीं बचा पाते। क्योंकि जब तलक सच अपने आप को साबित करे तब तक झूठ ने पूरी दुनिया को तय कर रखा होता है। सही बात लोगों तक नहीं पहुंचती तब तक बुराई करने वालों ने हवा फैला दी होती है। बाबा आइए एक छोटा सा विरहा आप लोगों के बीच एक कहानी के माध्यम से कि किस तरह से उसने त्रिया चरित्र खरीदा नहीं था बाबू। उसने त्रिया चरित्र के लांछन लगाने वालों को कैसी पटकनी दी थी ये कहानी में मिलेगा आपको। बाबा अब भूमिका पर गौर करेंगे आप लोग। कहानी कि कहीं एक नारी बहुत ही अच्छी भूमिका थी आपके अखिलेंद्र भैया कि नारी के कई रूप होते हैं। नारी का स्वरूप माता जगत जननी जगदम्बा भी। आज है कुष्मांडे की चतुर्थ कम चौथा दिन कुष्मांडा माता का होता है। तो मैं जितने भी माता के पुजारी हैं भक्त हैं जहां तक मेरी आवाज जाती है मैं आज चौथे दिवस की शुभकामना देती हूँ। आपने बताया नारी के कई रूप होते हैं और कहानी में आप पहले भूमिका पर गौर करेंगे कहना है क्या। एक एक शब्द पर गौर करेंगे कि सीधे पौधे को जंगल में काटे सभी जो है टेढ़ा का टेढ़ा ही रहता खड़ा जग सरल लोगों का ही शिकारी बना दुष्ट अड़ियल है रहता यड़ा का यड़ा। सोचो समझो तभी कुछ शिकायत करो सीधा होना जगत में कठिन काम है प्यास हरदम बुझाती है नदिया सरल हमारे सागर का बस नाम ही नाम है। ए बाबू जौन लड़का सीधा होए ओकर एक हाथ मेड़ हो भाई दबाई ले हाथ मेड़ हो भाई दबाई ले और जौन लड़का सीधा होए माई बाप नंगैन के हिसाब पहले लगाई के दई देती कहत एकवा तो सीधा ही बाटे ओका कमई देव सरल है मान जाई। इसलिए इस संसार में जो सीधा पेड़ हो तो का पहले कटाई जाए। हाँ कहन खरब के करोग ले नहीं निकले के आंखी फोड़ दे। हाँ तो तबे बबुराही हो बसवारी हो तो लोग काटे में सब सब गुजर जाते हैं और खड़े बल्ली के पेड़ दिन भरे में नहीं पता नहीं कितना गिराए देते। इसलिए सोचो समझो तभी कुछ शिकायत करो सरल होना जग में कठिन काम है प्यास हरदम बुझाती है नदिया सरल खारे सागर का बस नाम ही नाम है। सरल होना जिंदगी में सबसे कठिन काम है और चाहे जितना बड़ा समुद्र लहराए आपके सामने जे लोग कुछ लोग मुंबई गए हो बया जुहू बीच पे गए हो बया हर जगह देखे हो बया वैसे सागर देखे हो बया और पानी इतना नुनखार हो कि मुहे नहीं दे जाते। पानी पिलाने का काम हमारी नदियां करती हैं हमारी नदियां खेतों को सींचती हैं हमारी नदियां जीवनदायिनी होती हैं। इसलिए बड़ा देख के ओकर सम्मान न करे चाहिए ओकर गुण देख के ओकर सम्मान करे चाहिए। गिरहा में टेरी लगी कैसे बा
अरे समझो समझो कहानी, समझो चातुर ज्ञानिया। चातुर्ज्ञनिया बहु विद्वान रही पर क्यों कीन्हा नादनिया, कहानी समझो चातुर्ज्ञनिया। कहना कहानी पर गौर करिए आप लोग। एक बार की बात है, एक बनिया का रहला परिवार। एक एक बार एक बनिया के घर में इकलौता बेटा, एक बहू। अब बनिया खुद होकर पत्नी, चार लोग रहे। बेटवा कारोबार के सिलसिले में लगभग बाहर रहत रहा। बहू अकेली थी। बहू माता पिता के सेवा के लिए बेटे ने घर छोड़ रखा था। बहू अपने माता पिता सास ससुर को सेवा करे, हंसी खुशी दिन बीतत रहा बाबू। लेकिन एक दिन होता क्या है, उड़ान में कहना बाबू पुरानी हो कहानी, समझो चातुर्ज्ञनिया। कि बात एक बार के बहुवर भरे बदे गई पनिया, कहानी समझो चातुर्ज्ञनिया। घरे घरे समर सेबल नहीं रहा कि हर कमरा के मोहकड़े के ठू पाइप लगी व टोटी खोला पानी आई जाए। लोग बड़ी शिद्दत से बड़ी मेहनत से लजुरी ले लें, लजुरी ले के बाल्टी कानी में फाने तो धीरे 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 भरे तो का अड़ाऊ में पिराए खो। जब जौन चीज मेहनत से आवत हो का खर्चो करे में मशक्कत करे पड़ते, बुद्धि लगावे पड़त है। ये जल की कीमत थी, पानी की कीमत थी, तब बोरिंग कमाई पे पानी देत रहा खेते में। तब लोग पानी की बचत कर रहे। बहू एक दिन बनिया के घड़ा ले के पानी भरे गए। अब गांव के कगारे पे एक कैठी नारा रहा, जहां से पूरा गांव पानी पियत रहा भरत रहा। अजय सब एक हर हो ले तब पतो हो तो निकरे। अब कहे की अगर पहले निकल जाए तो बहनी दीदी हरे के चक्कर में चार गारी सासो खाए। इसलिए बहु देखे दोपहरिया में सब काम निपटाई के तो बहु गागर लेके पानी भरे। अजय बहु पानी भरे पहुंचे तो हुआ का होत है। अरे वाह हुआ बहु
स्नान करके अपन छीछा लेदर मनई का कर दुई लोटा चार लोटा नहाई के रोटी बनाई दे तो दुपहरिया में आराम से रगर रगर झावा से नहाए जौन लोथा के इटवा के झावा होत है जौन जर जाए लोग पहले झावा से रगड़ा तड़वत रहे आजकल वह चीज या 40-40, 50-50, 100-100 रुपये का आवाज थी खंजाल ईटा आटा अरे प्रेम भैया बहुत सही बहुत मजबूत हो तावा वा रगड़े में एकदम खंजर हो जाया तू अच्छा खंजर ही क्या है तक जाती जब पनिया भर थी नहाए रहा थी आधा कपड़ा लपेटे रहा थी उधर से चार लोग मन मनाती दोपहरिया में दबाए चला आवा था लखा था कि अरे यार देखा वाह एक मेहरारू पानी भरत आए अगर एक लोटा मिल जाए तो जान ला कि गर्मी मन मना दोपहरियम तनी के राहत मिल जाए चारों जने चल पड़े अब कहा थिकाओ तरजिया बदली गए खाटी प्राग राजा तेरे लिखल गोरी पतिया लिखल गोरी पतिया अपिया परदेश हो लिखल गोरी पल्ला वाले के बात रही जोन चिट्ठी लिखावत रही लेकिन झूसी नरेश दद्दा राम आधार का कहे पल्ला में तब दिन पतिया चलत रही जो सानिया मिर्जा कटना ही चलत रही अरे कहा झकोरा मारे झुलनी अरे झकोरा मारे झुलनी वही खेते में देखे हो ये खाची ओची ले जात की अरे झकोरा मारे झुलनी क्यों है साड़ी लहर सीधा पल्ला वाली धोती जब पहने ए पर ओढ़े ए पर आचर खोसे तो जब हवा भरे वार से पुरवैया तो वह झुलनी लहरात रही हो लेकिन कहानी में का कहना बा उच्चारण जो चले आ रहे हो क्या कहते हैं पहुंचे थी कहा थी अरे पियावा देवी पनिया कहे कि केहू के बधू बिटिया के इज्जत और सम्मान से बोले वाला जुग जमाना रहा जिस तरह से सरेआम लड़के छेड़ के चले जाते हैं आज की लड़कियों को पहले के बुजुर्ग लोग सीसीटीवी कैमरा हुआ करते थे हमारे बड़ पुरखों का इज्जत था समाज में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचता था कि चाटी बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं समाज में हमारी नाक कटाई हो जाएगी हसाई हो जाएगी इस बात का डर था ये सामाजिक पैमाना था मानदंड था लोगों का लोग कोर्ट कचहरी ना जात रहे अगर एक निगाह कोनो गार्जियन कोनो सीनियर केहू को दादा केहू को बाबा देख ले यहाँ तो जिंदगी भर याद रखत रहा कि काम दोबारा गलत ना करेगा आज वो चारों कहते हैं बड़े सम्मान से कि अरे पियावा देवी पनिया पियावा देवी पनिया अरे हा महन पिया सा पियावा देवी पाले राही बटो ही आप लोगन के तो हम पानी पिया दी वो औरत नहाए है और कपड़ा भीगा है
उसके शरीर पे कम कपड़े हैं। बाबू पहले के समय में इतना कपड़ा नहीं होत रहा कि हर शादी हर फंक्शन में अलग अलग पहने, लोग एकलाई धोती पहने। बुजुर्ग बताते हैं, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि एक धोती रहा वह पहने, रात की चदरा लपेट के सो जाए, सवेरे झुराए तो वह फिर पहने। ये दिन था, ये युग जमाना था, बहुत ही कम वस्त्रों में वो नारी थी और वस्त्र को अपने लपेटी थी। और चारों तरफ देखत है कि गांव देश के लोग कहूं से देखत हुई है कि चार ठी मुस्कंडा मन सेधु एक आस पास खड़ा है और ये पानी पियावे के बात करता है, लेकिन लोग हमका कोने नजर से देखा था। ये बात सोचत है, वो सोचत है का सोचे गोरी कैसे के पनिया पियाई, सोचे गोरी कैसे के पाने आबे आए, सोचे गोरी कैसे के पाने आबे आए, पिया परदेसिया अकेली हम लुगाई, कि हमारे पिया परदेश में हैं, घर में सास ससुर है, चार लोगों की बुरी निगाहें हैं, पता नहीं क्या सोचे का कहें आपस में। लेकिन उसके मन में उसके परिवार ने माता पिता दादी दादा अच्छा संस्कार डाले हैं। वो जाना थे कि किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। वो सोचती है अरे हमारी वो कहता है देवी क्या सोच रही हैं, क्या सोच रही हो अपने मन में, हम सभी को थोड़ा थोड़ा जल पिला दो, हम अपनी राह को चले जाएंगे, तुम अपने घर चले जाना। लेकिन वो दिमाग लगावत है बहू, वो कहत है कि आप लोग हमारे साथे साथे चला, हमारे घर चला, तब हम हुआ चल के तुमका पानी पियाऊ, और तब तक कुछ सवाल पूछी तो हमारे सवाल का जवाब दे देवा, तब पानी पियाऊ। इसी बात में फंसा के वो उन चारों को कहती है कि आप आगे आगे चला, पाछे पाछे हम आवत ही। अपने मान सम्मान को बचा के वो बनिए के बहू पीछे जा रही है, चारों राही आगे जा रहे हैं। कहा थी का उन चारों कि हे देवी अगर यही जल पिला देती तो हमें समय ना नष्ट करना पड़ता। अरे पनिया पियाऊ बड़ा पुण्यवा का काम हो, माने वो स्त्री जिसके तन पर पूर्ण कपड़े ना हो, कम कपड़े हो, जिसने पूरे कपड़े सलीके से ना बांध रखे हो। वो नहाने गई है और क्या कहती है, अरे बूझा के पहेली गोरी फेकले बापा सा पियावा देवी पनिया, है पीछे से कि पहले राही आप कौन हो, आप अपना परिचय दो, आप कहां से आ रहे हो, आप क्या हो, आपका नाम क्या है। तो पहला राही कहता है, जो चारों में से पहला है वो कहता है कि मैं गरीब हूं, मैं राही हूं। जब वो राही कहता है तो तर्जिया बदल जाता, झूमर लग जाता, कैसे तो
पहला बोला हम है राही जिया देवेला गवा है कि पानी पिए बीदा चाही तू पियावा देवी दूजा कहे हम गरीब मोरा फूटल बानस कि बाटू कुआ के करीब पानी लावा देवी कि तीजा कहे हम गवार हम यसरा तो तोहरा हो ए उपकार पानी लावा देवी कि चौथा कहे हम मूरख कहे है रूलू मुहूर्त पानी दे जा कौनु सूरत जिन सतावा देवी पहला कहता है कि मैं राही हूँ, दूसरा कहता है कि मैं गरीब हूँ, तीसरा कहता है कि मैं गंवार हूँ, चौथा कहता है मैं मूर्ख हूँ। वो कहती है कि सुनो राहियों, इस संसार में केवल दो राही हैं, उन दो राही के अलावा कौन तीसरे तुम कहाँ से आ गए? उन दो में जो मैं जानती हूँ उनमें तुम राही नहीं हो। और तुम जो गरीब कह रहे हो खुद को इस संसार में दुए चीज गरीब, यहाँ तीसर की गरीब तू कहाँ से पैदा हुई गया? जब तीसरे से पूछती है तो तीसरा कहता है कि हम गंवार हैं। कहा यह संसार में दुए ठीक गंवार है, तीसर का तू कहाँ से? और चौथे से जब कहा तो चौथा सोचे कि कुछ ना सुजान, तो कहा हम मूर्ख है। तो कहा संसार में दुए थी मूर्ख, दो ही मूर्ख हैं, आप चौथे कहाँ से आ गए? इसी बात में फंसा करके उनको घर तक ले गए, जल पिलाया, लौटा दिया, लेकिन प्रश्न का उत्तर वो दे नहीं पाए, नहीं पाए। अब बाबू उसने चारों को घर तक ले जा करके किसी तरह जल पिलाया, वो अपने घर चले गए। बात आई गई हो गई, लेकिन जो नहाए बड़की चाची कहती है कहो बिट्टी की अम्मा वो फलंगवा बहू के घरा में चाटी मनसेधू आए रहे न जो नहाए देखा तोसी पूछा तही केहू से कहो ना कहते भला भाव हम कहे के बताई के हो जेकर पतो हो जाने हमसे कहो। अरे वाह, अब भैया दोनों जनी इसे कहा थी कहा अपने घरे का माछ खाता ही हम केहू से ना बताओ। दूसरे दिन गई खेते में धान निरावे, कहा है टंटुआ की मम्मी है सुन एक बात तहु सुने कहा जानू बहिन उकाल फलनिया कहत रही कि घर में चाटी मन से धू आए रहे जाए बहनी एक सास ससुर जाने एक मन से धू जो ना का मतलब है लेकिन क्यों से कहो जिन बहन नहीं हमारे गटई फांसी बनिया के जात बताए हो। अब बाबू धीरे 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 संसार में फैले लगी, पूरे गांव में ये बात चर्चा का विषय हो गई कि उसका आदमी बाहर रहता है, सयान जवान बीबी के छोड़ के चला गया है, ओकर औरत ओकरे पीठ पीछे ओकरे पीठ में छुरा घोंपता है। ये बात पूरे गांव में फैल गई। आज बिना गलती की एक बहू की बदनामी होनी शुरू हो गई, लेकिन वो समझदार बहू तब तक नहीं बोलती है जब तक उसके ससुर जी के कान में ये बात नहीं पहुंच जाती। जब उसके ससुर से कोई कहता है कि भाई देखा एक बात आज तो उसी साफ साफ करेगा है, सबसे सही बात है कि न चार झूठ न एक सच, तोरे पतोहू के बारे में पूरा गांव चिल्लाता है लेकिन तू वहां की काने में ठेठी दे बैठा। अरे वाह, कहे ऐसी बात, कहे हाँ ऐसी बात, कह रहे अगर ऐसा है तो मैं उसको राजा के दरबार में जा करने आए मांगूंगा। लेकिन इधर जब कहा थे कि के राही बा
ते निर्वही लग राकेश भैया के से लौ गहिया में हाथे में बेरल लई ले नोच ले तो ऐसे खोसे ऐसे सड़िया इधर से कई उधर से गाछ बांध ले काहे काओ के उई गए सुरा छिटकी गई ले घामावारे ना देवरा समय कुछ और रहा देवर भाभी में बढ़िया पटत रहा कहे कि घरे के गार्जियन बड़ा सख्त होत रहे इतना सख्त रहे कि न पतोह सुनवैया रहा न छोट बेटवा की शासन जब कड़ा रहा तो आरी बगले का दूठी लड़की जब देखे रहे तो मन के बात भौजाइन से तो कहे तो भौजी की चिंता देवरे का देवरे की चिंता भौजी के बाह बाह जरूरत पड़े भैया बोला को चुप्पे से कहिया भैया भाभी बोला होती यहाँ दोनों जने का अपन मामला फिट रहा है यही लिए देवरे वो कहे कि जोरे भौजी तोरे जो भौजी तोरे लागई सुर जो केरे आरे ना भौजी कई ना ले बनिया के बहू कहती है उन्हन राही बटोही से कि हे बटोही कि एही संसार हुए एही संसार दूजा प्रश्न तो हसी बा दुआई गरीब वारे ना पानी तो हो के पियो भई जल का कि तीसरे से कहती है कि अना पढ़ गावार भैया जग दुई चीजिया हो Come on!
चौथे से कहती है कि यही संसार सुना दुआई मूर्खवा हो हम का तनी के की कहानी में पहले बताया कि वो चारों को पानी पिलाती है लेकिन चार में से एक को उत्तर नहीं दे पाते। इधर बात ससुर तक पहुंच जात है तो ससुर मन में का सोचत है दादा हीरा लाल वाली कहना बा थी चार थी लोगन के बड़े पुरखन के बात उनके मने में आगी जल जाती कहा है भला बतावा आज बात अगर सही न हो ती चार थी मने हमरे मुहे पर हमरे सामने कहा कि हिम्मत करते आखिर कुछ बात में दम्बा तबे चार मने कहा था ना एकदम क्रोध में आ गया सोचा थी का कि अरे बतावा हमार बेटवा परदेश कमाएगा है घरे में रास लीला नचाव बैठी है अरे मर्दा पराए से अरे बोलई बहुरिया कि हमार बहु हर मारई जत पे छुरिया भाई साहब आप लोग परेशान न हो आप लोग बात कहे हा तो हम गौर करें मंग बनिया हो जाए राजा दरबार हो लगावा राजा ने खबर भेज बहू को बुलाया अक्का है कसूर उनसे पूछे लग गुरिया हमारे बहुहर मारे इज्जत छुरिया राज दरबार से सभासद भेज करके दास को भेज करके बुलावा आता है कि ए बहू अरे बहू सर पे पल्लू रख के निकलती है कहती है जी फरमाइए कहती है कि राज दरबार से बुलावा आया है तुम्हारे लिए कहती है राज दरबार से बुलावा आया है का कसूर हो गया जो राज दरबार से बुलावा आया है कहे तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे खिलाफ अर्जी दाखिल की है राजा ने तुम्हें बुलाया है तो जब उसने सुना कि राजा ने बुलाया है तो बकायदा ससम्मान सही तरीके से वस्त्र धारण करके चल पड़ती है संस्कारी बहू है चली जाती है जब वहां पहुंचती है
तो जा करके कहती है राजन की जय हो, जय हो राजन की जय हो, राजन की जय हो, जय हो। बोलते हैं कि राजन क्या बात है, जब ससुर जी को देखती है और जब देख रहे तो समझ रही है कुछ बात की कहीं ना कहीं गड़बड़ है। खड़ी हो जाती है, दंडवत करने के बाद खड़ी है और तर्ज बदल जाती है विराम कृष्ण। गीत यही है कि हाल क्या है, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका बहू पूछती है कि क्या खता है हमारी ए राजन सुनो, क्या खता है हमारी ए राजन सुनो, मेरा पानी बैठे हर शिकायत ससुर की, हाँ शिकायत ससुर की, हाँ शिकायत ससुर की तुम्हारी तरफ हो, चर्चा हमारे पूरे गांव में हो रही है। बात मात्र छोटी सी थी, चार राही आए, उन्होंने मुझसे पानी मांगा, मेरे तन बदन पर पूरे कपड़े नहीं थे, दोपहर का वक्त था, मैं उन्हें घर ले गई, कुछ पहेलियां बुझाई, पहेलियां ना बुझने पर भी उन्हें जल दिया, और किसी प्यासे को जल पिलाना
ये कोई पाप नहीं है, ये बड़े पुण्य का काम है। राजन अगर इसमें मेरी कोई खता हो तो बताइए। और हाँ, यही मैंने किया है और इसीलिए पूरे गांव में बदनामी हो रही है। तो बोले कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा प्रश्न किया कि तुम्हारे प्रश्न से उत्तर नहीं दे पाए वो लोग। कहे राजन, ये प्रश्न हमारे थे, अगर आप उत्तर दे दें, अगर कोई भी उत्तर दे दे तो मैं स्वयं को दोषी मान लूंगी। बहु प्रश्न कहती है, पापट में कहना बा, अरे पूछी चार सवाल, जल्द ही उत्तर चाहिए राजन हो। अब पूछ ली चार सवाल, जल्द ही उत्तर चाहिए राजन हो। अब मजबूरी थी घर में हमारा, जग में दुआई ठिराही, दुआई गरीब जग में दई दे त्यागवा, और गवार है दुए जग में है रहा मर मांगन हो, और गवार है जग में दुई है रहा मर मांगन हो। अब मजबूरी थी घर में नाही रहा हमरा साथ, सभासद उपस्थित हैं इस राज्य के, कोई भी मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे तो मैं अपने आप को दोषी मानूंगी। और कहती क्या है, अरे चौथा सवाल जग में दुआई मुरुखवा, हम का जवाब चाही बैठे बड़ पुरुखवा, यह सवाल मोरे जिया का बन गईला बा कारण हो, सवाल मर्जी का बन गईला है कारण हो। अब मजबूरी थी घर में नाही रहला हमारा साथ हो। राजा कहे तो गजब हो गया। हम तो सोचे कि ये समझदार है, अपने घर परिवार को सहेजने के लिए सभा में आया है कि बिखरा परिवार सही हो जाए, बहू सुधर जाए। इसकी बहू कहीं ना कहीं इससे ज्यादा विद्वान है। कह रहा है कि राजन कह रहे हैं कि मंत्री जन छोटी मोटी बात है, तुम्हें लोग बताए, तुम्हें लोग बताए तो का फालतू के हाथ डाली छोटे छोटे मैटर में। हम सब ऐसे लगता कहता है, लगता है राजो मामला गड़बड़ा है, कहा समझ में ना आता है कुछ। बाह बाह, सब एक दूसरे के मुंह देखते हैं लेकिन जवाब क्योंकि नहीं सूझता है। काफी देर हो जाता है तो राजा कहते हैं, बेटी तुम मुझे अपने विचारों से अपने ज्ञान से बड़ी श्रेष्ठ लगती हो। मैं तुमसे अरदास करता हूं कि अपने चारों प्रश्नों के मुझे उत्तर दे दो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा और खुशी खुशी जीवन बसर करने का हक दे दूंगा। अब बहू जवाब का दे आल्हा में कहना वाला, चांद यो सूरजवा जग में दुआई ठी रहिया हो राजन, चांद चला जा।
कहती है राजन, इस संसार में दो राही या दो बटो ही हैं। एक सूरज है एक चंदा जो कभी रुकते नहीं। सूर्य अपना किरण बिखेरता है तो चंद्रमा अस्ताचल को चला जाता है, और चंद्रमा जब उदित होता है तो सूर्य अपनी किरणों को समेट करके अस्ताचल में छुप जाया करते हैं। इस संसार में दो ही लोग गरीब हैं, एक द्वारे पे आए पतोह खरकट वाली नहीं, एक द्वारे पे आई हुई बहु संस्कारी और दूसरी गाय। जो ने खूटा से बांध दे ब्या दुई डंडा मार के दुहबा, चाहे थोड़ दे चाहे ढेर, लेकिन हुई खूटा पर मर जाए खूटा छोड़ के जाए ना। अगर है बहु और गाय ऐसी तो दोनों ही ऐसी गरीब होते हैं। और इस संसार में दाना या पानी पढ़ा लिखे नहीं होते, उनके पास कोनो डिग्री डीफिल डिलिट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर डबलिन कहूं की उपाधि ना होते, वो अनपढ़ गंवार होते हैं। लेकिन पूरे संसार को पेट भरती चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो चाहे नादान हो चाहे वृद्ध हो चाहे बच्चा हो चाहे जैसन हो, इस तरह से संसार में तीसरे जो है अनपढ़ गंवार दो ही होते हैं, अन्न और पानी। बात चौथा कह बेटी, चौथा जिज्ञासा बढ़ गई राजा की, कहे राजा साहब अगर आप तिरवाचा खावे तबे चौथा बताओ। कहा तिरवाचा, कहा किस बात का, कहा अगर आप तिरवाचा खाइए कि मैं उत्तर दूंगी तो आप हमें सजाए मौत नहीं देंगे, आप हमारी जान बख्शेंगे इस शर्त मर चौथे का उत्तर दूंगी। राजन बोले ठीक है बहू, जाओ बहू मैंने तिरवाचा लिया, और तिरवाचा तीन बार खाते हैं तो बहू बताती क्या है। स्पीड में बताती क्या है, अब तीन तरह के तो हो गए तो चौथे में था मूरख। अरे वाह, कहती क्या है कि चौथे में पहला मोरा ससुर गोसाई, हाँ सही राजा साहब, चौथे दो मूर्खों में पहला हमार ससुर जी हैं। अगर इनका चार मेहरारू चार मन से धू गांव को शिकायत करत है कि तुहार पतो तुहार बिटिया फलानी ऐसे हो जाती यहाँ, तो इनका ये बात आए के घर एक बात रही, पूछे चाहिए पछोरे चाहिए अम्मा से पूछते, अम्मा हमसे पूछते का सही का गलत हम इनका बताई। अरे पहले सोचन बिचारे नहीं चार मनई के कहे में आई कितनी बात का ढिढोरा पीट दे न मरे इज्जत, अब हम लाख ठकबे लेकिन चार मनई तो झूठे उड़ाई दी है ना। और राजा साहब कुसूर माफ हो, अगर ये ज्ञानी नहीं थे इन्होंने बात को घर लाया तो आपको इनको समझा बुझा के भेजना चाहिए कि हे बनिया महाराज ए उनके ससुर जी जा करके अपने घर की बात घर में समझ लो, अगर नहीं समझ पावत हो तो काठू मंत्री हम घरे भेज दे, घर के बात सुलझ जाए चार मनई महासी हसारत ना हो। एह लिए राजा साहब दुई मूरख में दूसर का मूरख हापई है। राजा मुस्किया दिए, वाह बेटी दिल जीत लिया, खुशी खुशी उसको आधा राज्य दे दिए,
बहुत सी धन संपदा दिए, बोले तुम मेरे राज्य की बड़ी सम्मानित बहू हो। और अंतिम में क्या कहना, अधिया सटीक जवाब लाज को राखा घर की रानी हो, खड़ी में आओ फिर वापस आओ। सटीक जवाब दे करके आधे राज्य को प्राप्त कर लेती है बहू। आज ससुर भी खुश हैं कि हमारा परिवार फिर से उजड़ने से बच गया, और राजन भी खुशी हुए, कहीं जरूरत पड़ेगी घर परिवार के मामले में तो इसे बुला करके न्याय के कार्य में साथ लेंगे। अंतिम भाव में कहना बड़ा आदमी, स्वामी गीतानंद संत गुरु भुल्लुर राजा रा, कहानी समझो चातुर, सपना कहें सा।